नमस्कार, आई एम भारती तनेजा, ब्यूटी एक्सपर्ट। आई एम डायरेक्टर ऑफ एल्फ कॉस्मेटिक क्लिनिक। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ मानसून के बारे में। आजकल बारिश का मौसम है और बहुत सुहाना मौसम है, मज़ेदार है, सबको मज़ा आता है और स्पेशली भीगने का भी बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब हम भीगते हैं तो आपकी स्किन में और बालों में बहुत सारी प्रॉब्लम होने के चांसेस हो जाते हैं। इतना जो ह्यूमिडिटी है वो जब आपके जो स्किन के ऊपर ऑयल है, ह्यूमिडिटी ऑयल मिलके और ऊपर से मिट्टी धूल जो मिलती है तो आपके पोर्स को बंद कर देती है, उसमें ब्लैक हेड्स हो जाते हैं और ब्लैक हेड्स जो है वो एक्ने में तब्दील हो जाते हैं। स्पेशली जिनकी स्किन बहुत ऑयली है उनको इन दिनों में एक्ने होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। सो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आप हमेशा स्किन को क्लीन करें। अगर आप स्किन को क्लीन रखेंगे तो आपकी स्किन में इन्फेक्शन, एक्ने, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो कुछ घरेलू नुस्खों का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लेंजिंग के लिए भी आप चाहें तो घर में ही अपना एक टोनर बना सकते हैं, क्लेंजर बना सकते हैं, जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली जिनकी स्किन बहुत ऑयली है उनके लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि वो घर में खूबसूरत सा टोनर बनाए। बहुत आसान है, आप नीम के पत्ते ले सकते हैं, आप पुदीने के पत्ते ले सकते हैं, आप चाहें तो कुछ तुलसी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सबको उबाल लें, उबाल के जब पानी आधा एक तिहाई रह जाए तो उस पानी को आप इस्तेमाल कर लें क्लेंजिंग के लिए। जिनकी स्किन बहुत ड्राई है उनको ये क्लेंजर सूट ना करता हो तो उनके लिए एक और क्लेंजर बता देती हूँ। आप पानी में गुलाब के पत्ते और जैस्मिन फ्लावर्स जो है इनके कुछ फ्लावर्स डाल लें, कलियाँ डाल लें और उनको बॉइल करें। और जब आप देखेंगे बॉइल करेंगे तो ऊपर तेल जैसा नज़र आने लग जाता है, यानी कि जब पानी 1/4 रह जाए तो उसको इकट्ठा कर दें। इससे आप स्किन के ऊपर टोन भी कर सकते हैं और क्लेंजिंग का काम भी करता है। तो ये बहुत ही अच्छा टोनर है जो आपकी स्किन को इन दिनों में खास तौर पे अच्छी बनाने में हेल्प करेगा। आप चाहें तो रोज़ स्क्रब भी कर सकते हैं, अपना स्क्रब खुद घर में बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। जितनी भी घर में दालें हैं उनको ले लीजिए, दालों को पीस लीजिए और उसके अंदर जितना दालों का मिक्सचर होगा उतना ही आप चंदन पाउडर डालिए और उतने ही मुल्तान मिट्टी, इन तीनों को मिक्स करके एक पाउडर बना लीजिए। साथ में थोड़ी सी हल्दी और केसर की कुछ तुलियाँ डाल के रख लीजिए और ये स्क्रब जो है इसको साबुन के बदले रोज़ इस स्क्रब का इस्तेमाल कर लीजिए। और अगर आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप इसमें कोई स्किन टोनर या कोई भी सब्ज़ी का जैसे टमाटो है उसका जूस डाल सकते हैं। अगर ड्राई है तो दूध डाल सकते हैं। स्क्रब बनाइए, रोज़ स्किन को स्क्रब कर लीजिए और अपने स्किन को देखिए कैसे एकदम स्किन ग्लोरी हो जाएगी और खूबसूरत लगने लग जाएगी।